أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ما دادا يا رسول الله ما يا سادات أصحاب رسول الله ما دادا ما شاء الله دستور ولا الله فأز داسا شاء محمد عزيز وحكاله ما تعليقاتنا الصحبة والخير في الجميع مسجد لر الله أولر إنسان لر مسجد الله ये वो जगह है जहाँ पर लोग पनाह ले सकते हैं रही रही। अल्लाही मस्जिद अल्लाह की हैं। अल्ला? और जो अल्लाह अल्ला के करीब होना चाहते हैं वो मस्जिद जाएं। नमाज़ें जो मस्जिद में अदा की जाती हैं उनका सवाब सत्ताईस गुना ज्यादा होता है उस नमाज के जो घर पे अकेले पड़ी जाए हर कदम इंसान जो मस्जिद की तरफ लेता है को दस नेकी का सवाब मिलता है और उसका मकाम बढ़ता है ये मस्जिदों से कोई नुकसान नहीं है कुछ जगहों पर एक पहले तो उन्होंने मस्जिदें बंद कर दी हैं हाँ हाँ अगर अल्लाह ती इजाजत ना होती तो ये वबा ना आती इस आतीदारबा को उन्होंने बहाना वादा बनाया वादा है उन्होंने गलत किया है और उस खेस और वो उसको बरकरार रख रहे हैं इनको समझ नहीं आता ये लोग बेखबर और बेईमान हैं, जो जिन्होंने ये किया है, अल्लाह 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 उनको सजा देगा इसी दुनिया में, आखरत से पहले, आप शैतान के साथ हो, और अगर आप अल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं, तो आप उसके दुश्मन हैं। जो भी कोई मस्जिद बंद करेगा अगर वो अगर वो जानबूझकर नहीं करते नहीं और फिर उसकी कर तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह का तौबा का दरवाजा खुला हुआ है मगर अगर वो जानबूझकर करते हैं और करते रहते हैं इसको बहाना बनाकर, पापा को बहाना बनाकर, वो कहते हैं कि ये वबा हमारे लिए बहाना है हम तो बंद कर देते हैं और हर तरह की वो नापाक चीजें कर रहे होते हैं क्योंकि वो, वो कहीं काफी जगहों पे नहीं कर, करनी चाहिए उनको वो अल्लाह के खिलाफ जाते हैं किसी को भी अल्लाह के खिलाफ नहीं जाना चाहिए अल्लाह के बहुत सारे सिपाही हैं। अगर एक सिपाही जाता है तो दूसरा आता है वबा को खत्म करने के लिए आपको मस्जिद बंद करने की जरूरत नहीं है आपको अल्लाह से मांगना है लबनान में भी बंद कर दी है फिर उनको थोड़ी अकल वापस आई तो उन्होंने जुमा की नमाज के लिए खोला खोली मस्जिद और फिर उन्हें लगता है की बहुत चातिर लोग हैं पूरी दुनिया में हालांकि अल्लाह से मांगे बिना ये खत्म नहीं होगा अल्लाह एक चीज खत्म कर सकता है और दूसरी चीज ला सकता है हमें अल्लाह अल्लाह से ही पनाह मांगनी है इसके बिना कोई चारण नहीं है कोई कुछ भी फायदा नहीं है और किसी चीज़ का ये लोगों के लिए पनाह लेने की जगह है। जब परेशानी आए तो मस्जिदों में जाना चाहिए मगर जो मस्जिदों को बंद करते हैं वो अल्लाह के साथ नहीं है वो शैतान के साथ है जहाँ पर भी आप देखें, लोग चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं आप उनसे दूर रहें। अल्लाहा यपन अल्लाहा आप अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला से मांगे अल्लाह से आज़ी से मांगे वो कहता है आप मेरे बहुत करीब हैं मुझसे ही मांगे और आप ये मस्जिद में करते हैं अल्लाह कहता है इनल मसाजिदिलल्लाह को ये पहले मुसलमानों को जानने की जरूरत है मस्जिदें अल्लाह की हैं अल्लाह हमें अक्ल दे और अच्छी सोच और समझ दे हम मुसलमानों को रजब भी आ रहा है ये हमारे लिए मुबारक हो ख़त्म और होारी शरीफ का खत्म दलाल का खत्म हुआ है अल्लाह कबूल फरमाए उन लोगों से जिन्होंने उसको पढ़ा है और इसका सवाब हम रसोल को फरमाते हैं सहाबा, मोमिन उनकी नीयत है वो वो पूरी वो पूरी हों इस दुनिया में भी और आखरत में भी खुश रहें और उनका ईमान मजबूत हो हम सबके हक में आज जुमा का दिन है مبارك بنهاية أو بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا بالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا إن شاء الله فازداد محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق, 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الفاتحة